7 तारीख को हर आंगनबाड़ी में किया जाएगा। आज तमाम आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुदभराई का कार्यक्रम मेरे ख्याल से एक तो पहला कदम है और ये सरकार का सराहनीय कदम है, क्योंकि तो गर्भवती जितनी महिलाएं हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्रों पर सम्मानित करना, हमने अपने आंखों से देखा कि फूल माला के साथ स्वागत करना, सिंदूर बिंदी मेहंदी लगाना, फल फूल से जिस तरह से होता है शादी विवाहों में या और जगह गुदभराई का कार्यक्रम होता है, उस तरह से आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका साथ ही साथ जितनी क्या बोलते हैं उनको एनएम हो आशा हो, उन्होंने बताया कि किस तरह से गर्भावस्था में अपने बच्चों को लालन पालन करने हेतु और किस तरह से पौष्टिक आहार हम देंगे कि आपका बच्चा स्वस्थ रहे, और अगर प्रसव की स्थिति आती है तो सरकार द्वारा जो एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है उनका नंबर भी लोगों ने दिया कि इस नामामुक नंबर पर आप डायल करें और निःशुल्क व्यवस्था की जाए। आज आपके भी पंचायत में? हमारे पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र सनदिया पूर्वी पर कोट बांधे पर भी किया गया, इसमें स्थानीय मुखिया श्रीमती मधुबाला देवी और उप मुखिया पुष्पा देवी और सेविका सहायिका सभी लोग मौजूद थे, गर्भवती थी, धात्री थी, किशोरी थी, सभी लोग एक समाज में एक अच्छा संदेश जा रहा है और लोग जागरूक कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे भविष्य में कुपोषण का शिकार न हो, इसलिए महिला को जागरूक करना बहुत जरूरी है, सरकार का सराहनीय कदम है। राजेश्वर पासवान, प्रधान महासचिव, मुखिया।